जी हाँ फ्रेंड्स, क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए फ्रेंड ये एमपी बोर्ड में जो पूरक परीक्षा का सप्लीमेंट्री का पेपर हुआ है, तो आज की इस वीडियो में उस पूरे पेपर को लेकर के और उसके सॉल्यूशन को लेकर के मैं आया हूँ, जिससे आप पता कर सकते हो आप कितने नंबर का सही करके आए हो और कितने नंबर का गलत करके आए हो। फ्रेंड बोर्ड परीक्षा में फाइनल पेपर के लिए जो आप 2021 की फाइनल परीक्षा देखने जाओगे, उसमें भी इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस पूरे पेपर को सॉल्व आप जरूर करना। इसको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड भी कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद। देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, नर एवं मादा युग्मक में युग्मन जनन कहलाता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, लैंगिक जनन। कौन सा जनन बोलते हैं? लैंगिक जनन। फ्रेंड यहां पर अगर आप लैंगिक जनन लिख करके आए हो तो आपको एक नंबर पक्का मिल जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एफ टू पी डी में अनुपात होता है, तो एफ टू पी डी का अनुपात होता है 1:2:1, यानी 1:2:1। अगर आप ये लिख करके आए हो तो एक नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि कौन से परीक्षण से करते हैं? तो फ्रेंड उस परीक्षण का नाम है विडाल परीक्षण। क्या नाम है? विडाल। अगर आप इस तरीके से लिख करके आए होंगे तो एक नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको हम टाइफाइड टेस्ट भी बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, डीएनए अणु है, डीएनए कैसा अणु है? जटिल, लंबा और जंजीर जैसा दिखने वाला अणु है। तो यहाँ पर आप जटिल भी लिख के आ गए होंगे तो भी आपको एक नंबर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है, जैव मात्रा की दर को क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड यहाँ पर आप 5 नंबर लेकर के आ सकते हो। इसके बाद देखिए पूछा गया यहाँ पर, सही जोड़ी मिलाइए, तो सही जोड़ी आपको मिलानी है। देखिए वैली सनेरिया, इसको आपको मिलाना है पार्थेनियस स्टेरियोफोरस। इसके बाद डार्विन है तो ये प्राकृतिक वर्ण से आपको मिलाना है। इसके बाद देखिए सरडेल भेड़ है, इसको आपको मिलाना है संकरण से। किससे? संकरण से। इसके बाद देखिए फ्रेंड जीव विष है, जीव विष को मिलाना है आपको VT4 से, और गाजर घास को मिलाना है जल परागण से। तो 5 नंबर इस तरीके से आप यहाँ से लेकर के आ सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 में, यानी एक एक शब्द में आपको आंसर लिखना है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो देखिए लीडिंग कोशिकाएं किस हार्मोन को स्रावित करती हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए भी। तो ये आंसर आप बहुत ढूंढने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, एंड्रोजन हार्मोन। क्या नाम है? एंड्रोजन। यहाँ पर मैं आपको लिख के भी बता रहा हूँ, एंड्रोजन। कौन सा हार्मोन है? एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है। इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 9:3:1 किस क्रॉस में प्रकट होता है? तो ये फ्रेंड एफ टू पी डी के क्रॉस की बात करें तो द्विसंकरण क्रॉस। यहाँ पर आपको क्या आंसर में लिखना है? द्विसंकरण, इस तरीके से द्विसंकरण क्रॉस। तो यहाँ पर आप द्विसंकरण क्रॉस लिख करके आए होंगे तो एक नंबर आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। स्मैक का रासायनिक नाम लिखिए। फ्रेंड स्मैक के रासायनिक नाम, पहले इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C21H23NO5। ये तो होता है इसका सूत्र। अभी इसके रासायनिक नाम की बात करें तो 8-DiDiHydro4, ये होता है इसका रासायनिक नाम। फ्रेंड इसका रासायनिक नाम मेरे को थोड़ा कंफर्म पता भी नहीं है, मेरे हिसाब से यही है। अगर आपको कंफर्म पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व इंसुलिन में क्या नहीं होता है? तो परिपक्व इंसुलिन होता है उसमें सी पेप्टाइड नहीं होता। क्या नहीं होता? सी पेप्टाइड। अगर आप इस तरीके से लिख करके आए हो तो एक नंबर आपका यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए BOD का पूरा नाम लिखिए। तो BOD का पूरा नाम क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इस तरीके से आपके 15 नंबर यहाँ पर हो गए। इसके बाद देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोहरा निषेचन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, भ्रूण कोष में होता है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जोड़ना या कम होना क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं द्विन्यून सूत्री, यानी टेट्रासोमी। इसका भी ऑप्शन नंबर 2 सही है। AUG कूट कार्य करता है, तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रारंभिक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, मिलर प्रयोग में किन गैसों का प्रयोग किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, CH4NH3H2, यानी मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन।
एंड वर्ष 2002 में प्लास्टिक में सड़क कहाँ पर बनी थी, तो ये बेंगलोर में बनी थी पहली बार। तो फ्रेंड इस तरीके से अगर आप आंसर लिख करके आए हो तो 20 नंबर आप सुनिश्चित कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको बताते रहते हैं। देखिए वैसेक्टोमी ट्रैक्टोस्टोमी में अंतर लिखिए, एक बीज द्विबीजपत्री जड़ में दो अंतर लिखिए, प्लाज्मोडियम परजीवी के दो पोषकों के नाम, सीएनजी का उपयोग, अनुकूलन क्या है, शुक्राणु की संरचना, फल वृद्धि क्या है, आनुवंशिक पदार्थ का पृथक्करण, अपघटन की परिभाषा। तो ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं फ्रेंड, इन सभी को आप भी रिवीजन कर लेना 2021 के लिए। व्हाट इज पेनिसिलियम, कुक्कुट फार्म क्या है, किशोरावस्था में ड्रग एल्कोहल के प्रभाव बताइए, इफेक्ट क्या है इनके, कैंसर क्या है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, उत्परिवर्तन, जल प्रदूषण। तो इस तरीके से ये था सप्लीमेंट्री का बायो का पेपर जो कि काफ़ी सिंपल आया हुआ है। यहाँ पर मैंने देखिए सारे आंसर्स का PDF फाइल नोट करके डाल दिया, इसको आप डायरेक्टली डाउनलोड करके अपना आंसर चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।